नहीं, शादी तो देखो कहीं पर कोई भी कर सकता है। अगर सिरसा जी के मन में, मैं ये कहूँ कि सिरसा जी के मन में अगर हमें ये दिखाई दे कि उनका आपसी मतभेद डालने वाली कोई बात आती है, तो फिर COVID-19 में तो अपने ही परिवार के लोगों को कहीं संस्कार नहीं हुआ, कहीं दवाई का दिक्कत आई, कहीं लंगर की दिक्कत आई है। ना तो मुस्लिम भाईचारे के बिना हम रह सकते हैं, हमारा कहीं गुजारा है, हम समाज में कहीं पर आगे बढ़ सकते हैं, ना ही मुस्लिम भाईचारा सिखों के। मैंने जो उनकी वीडियोस देखी हैं ऐसी, और मैं उनको जानती भी हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, तो संस्था चलाने के नाते मैं उनके भावना को समझ पा रही थी जब उनकी वीडियो देख रही थी। तो ऐसी सोच अगर होती तो फिर हम खाली सिखों को प्रमोट करते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है, मैं हुक्राम। बात करते हैं उस मुद्दे की जो श्रीनगर में इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट भी चलता रहा, और जो सिरसा जी हैं, मनिंदर सिंह सिरसा, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये मुद्दा बार बार उछाला और कहा हमारी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमारी दो बेटियों का जो नाबालिग हैं, उन्होंने ये शब्द भी इस्तेमाल किए, उनका अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बंदूक की नोक पर निकाह पढ़वाया गया। पूरे जम्मू में इस मुद्दे को लेकर तनाव रहा और ऐसा लगा कि सिरसा कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर आज मैं पहुंचा हूं। आप लोग जानते ही हैं तरविंदर कौर खालसा जी, जो इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं और सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की चेयरमैन भी हैं, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपसे पहले भी कई मुद्दे पर बात की और हमेशा आपने एक अच्छा मैसेज लोगों को दिया है। मेरा ये सवाल है, जिस तरह से सिरसा जी ने वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन किया, एक मैसेज गया कि दोनों समुदाय के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। देखो ये चीज़ जब किसी को चोट लगती है तो सी तो कोई करता ही है। देखो ये सिख कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, एक संस्था है जो सिखों की, उसके एक प्रधान है, तो उनका ऐसा एंग्री होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि एक प्रेसिडेंट होता है वो अपनी जो लीडरशिप के अंदर उसका एक रिश्ता जो होता है संगत के साथ, प्रधान का वो एक पारिवारिक रिश्ता होता है। परिवार में अगर कोई का बात होती है तो भावुक होना, यहाँ पर मैं समझती हूँ अपने विचारों अनुसार कि भावुक होना स्वाभाविक ही था, तो वो भावुक होकर के उन्होंने जो भी बात कही है उसके पीछे उनकी मंशा कोई भी धर्म में मतभेद लाने की नहीं थी, दो कम्युनिटियों को लड़ाने की नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती, मैंने उनकी वीडियोस भी सुनी है, लाइव भी देखा, सब कुछ देखा, धरना भी उन्होंने दिया, सब कुछ किया। अगर मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐसी कोई बात और मन के भावना, गलत भावना से ऐसा कुछ कोई शब्दावली की वर्तों करी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आपने COVID-19 के अंदर भी आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने लंगरों की सेवा करी है, लोगों को खाना खिलाना, दवाई की सेवा करी है, COVID-19 के लिए उन्होंने जो कोविड सेंटर बनाए हैं, तो कहीं पर भी आप उनकी पुरानी वीडियो या उनके पुरानी लाइव में सोशल मीडिया पर भी आप उठा करके देखिए, कहीं पर भी दिखाई नहीं देता उन्होंने ये कहा हो कि जो हम लंगर भेज रहे हैं लाखों लोगों को लंगर, सरकारों का काम तो था वो सिख कम्युनिटी ने करा। तो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पर ये आरोप है कि पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर धर्मांतरण का मुद्दा जो ज़्यादातर RSS या BJP से जुड़े लोग उठाते हैं, क्योंकि इनकी जो वीडियो है वो RSS और BJP के नेताओं ने ज़्यादा शेयर की हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ऐसी तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है कि उन्होंने शेयर की है, सिख कम्युनिटी ने भी काफ़ी शेयर की है, और मोहम्मदन भाईचारा जो हमारा है ये कभी ख़त्म ना हो सकता, ना मनजिंदर सिंह सिरसा ख़त्म कर सकते हैं, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक रिश्ता है जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, रखा था और रखना भी चाहते हैं। पर ये आरोप भी ये लोगों का कहना सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं लगातार देखता हूँ कि जो दो लड़कियाँ थी
जिन पर आरोप था उनकी वीडियो भी आई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। तो सिरसा जी के जो आरोप हैं वो गलत है। नहीं देखिए, आप उसके अंदर एक लड़की जो है वो अपनी जैसे ही बाइट देती है उसके बाद इमीडिएटली मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसका ब्रदर जो है वो वन टू ऑल उसने अपनी अपडेट दी है कि कैसे कैसे मेरी सिस्टर अगर 9 साल शादी वो कह रहे हैं की हुई है, तो 9 साल शादी की हुई के वो लेकर के क्यों नहीं गए? तो उसका ब्रदर कह रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा नहीं कह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लेकर के 9 साल शादी करने के बाद वो मेरे घर में क्यों रही है, वो क्यों नहीं लेकर के गए? सो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को सुनने के बाद उसके फैमिली का मेंबर कह रहा है, उसका रियल ब्रदर कह रहा है, लेकिन लड़की नहीं कह रही। नहीं, लड़की का वो क्लियर कर रहा है कि लड़की इतनी देर पहले, वो अगर लड़की नहीं कह रही ये तो क्लियर बात है ना, जो शादी कर ली है तो 9 साल उसको उसके घर में क्यों छोड़ा है ना। यहाँ पर भी एक शक की बुनियाद तो आ ही रही है ना। लेकिन दो लड़कियों का जिस तरह से मैसेज आया उसके बाद जब ये मामला ज्यादा उछला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा सिरसा जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये उनका आरोप था। क्या सच में पॉलिटिक्स हुई है इस मुद्दे पर, आपको क्या लगा? क्योंकि शादी तो कोई कहीं भी कर सकता है, उसे आज़ादी है। नहीं, शादी तो देखो कहीं पर कोई भी कर सकता है। अगर सिरसा जी के मन में, मैं ये कहूँ कि सिरसा जी के मन में अगर हमें ये दिखाई दे कि उनका आपसी मतभेद डालने वाली कोई बात आती है, तो फिर COVID-19 में तो अपने ही परिवार के लोगों को कहीं संस्कार नहीं हुआ, कहीं दवाई का दिक्कत आई, कहीं लंगर की दिक्कत आई है, तो फिर वो ये भी तो कह सकते थे कि लाखों लोगों का जो लंगर प्रसाद दिया जा रहा है दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल के लिए इंतजाम जो वो कर रहे हैं, तो कहीं पर आपने उनकी बाइट सुनी है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं सिर्फ ये लंगर जो है सिखों के लिए है, ये दवाई जो है ये सिखों के लिए, हॉस्पिटल का इलाज जो हॉस्पिटल के अंदर कोविड के लिए उन्होंने ये कोई कहीं इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रेसिडेंट होने के नाते कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर इलाज होगा वो सिखों का होगा, क्या है उसमें हिंदू नहीं आए? हवाले भी दिए उस कानून, उन्होंने कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है जो योगी जी का नाम बकायदा लिया है, वैसा ही जम्मू में भी बने क्या? वो जिस तरह से योगी जी तो एक तरह से कहा जाता होंगे ना, वो तो उन्होंने तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है, वो तो लवर्स के खिलाफ ही एक तरह से जैसे लोगों का उनका आरोप है, क्योंकि जब उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो भाई बहन जा रहे थे उनको भी रोका गया, चाचा भतीजे जा रहे थे उनको भी रोका गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो फिर इस चीज़ का हवाला क्यों दिया? नहीं देखो, योगी जी की बात जहाँ तक की जाए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, उनके अपने हर शख्स के अपने विचार होते हैं, जहाँ तक उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने कानून जो बनाया वो किस तरीके से बनाया, हो सकता है उनकी कोई देख रेख में ऐसा कुछ हुआ हो, तो इंसान उस हिसाब से अपनी बात को रखता है। जहाँ तक सिखों की बात आती है, वहाँ पर कहीं पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कहीं पर भी दरार नहीं आनी चाहिए और ना आएगी, ना आई थी ना आएगी। मैं पिछले कई ऐसी खबरें कर चुका हूँ जिसमें मैंने पंजाब में देखा कि सिख भाइयों ने मुसलमानों के लिए पुरानी मस्जिदें खुलवाई, नई मस्जिदें बनवाई, लगातार पिछले कई सालों से इतना अच्छा भाईचारा कायम हो रहा है, लेकिन अचानक आपको लगता है कि इस चीज़ से कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए एक शख्स के, मैं तो उन्होंने वैसे ऐसी भावना लेकर के ना, मैंने देखा, मैंने जो उनकी वीडियोस देखी हैं ऐसी, और मैं उनको जानती भी हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, तो संस्था चलाने के नाते मैं उनके भावना को समझ पा रही थी जब उनकी वीडियो देख रही थी, तो ऐसी सोच अगर होती तो फिर हम खाली सिखों को प्रमोट करते, हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना ऊंचा नाम हमारा जो होना, नाम आज रोशन है, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं थी। हम तो अभी देखो आप झगड़ा पीछे जब हुआ है उसमें मैं खुद मोहम्मदन कम्युनिटी के साथ उनके साथ प्रोटेस्ट में मैंने शमूलियत करी। मैं जानता हूँ अपने NRC सी के लेके उनके खूब साथ दिया, सरकार के खिलाफ खड़ी रही उस फैसले के जो कानून उन्होंने बनाया। नहीं, एक छोटी छोटी बात के लिए इतने धर्म, देखो धर्म एक परमात्मा की के आस्था का एक प्रतीक होता है, उसके लिए एक छोटी छोटी बात को लेके हम भाईचारे को ख़त्म कर सकते हैं या उसके ऊपर प्रभाव डाले। देखो दो भाई हो
होते हैं, घर के अंदर हिंदू भी हैं सिख भी हैं, और अगर छोटी छोटी बात के लिए हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम क्या घर छोड़ के चले जाएं, अलग हो जाएं? मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं होती जिसके लिए हम एक दूसरे से रिश्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि कहीं पर भी समाज के अंदर एक सिख अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक हिंदू अकेला नहीं कर सकता, मोहम्मदन भी अकेला कहीं नहीं कर सकता। हम सब मिल करके ही, हमने मिलकर की समानता रख के, एकता रख के ही इस भारत को आज़ाद करवाया। उसके लिए कुर्बानियाँ दी, क्या हिंदुओं ने भी दी हैं, सिखों ने भी दी हैं, मुस्लिम ने भी दी हैं। सो ये भाईचारे पे आपका सवाल है, जो असर मेरे ख्याल से ना तो असर पड़ेगा और ना ही पड़ना चाहिए। हम सिख हैं, हमें भी सोचना है और हमारे भाइयों को भी ये सोचना है। कहीं ना कहीं भावुक होकर एक बार मेरे मुँह से भी कुछ गलत लफ्ज़ नहीं, क्योंकि ये धर्म जो है एक भावनाओं को पैदा करता है। भावना जब पैदा होती है, मुंह से कहीं ना कहीं कोई शब्द अपशब्द निकल जाता है। इससे ये नहीं कि हम लोग रिश्ते खराब कर लें। सो मेरी तो मुस्लिम भाईचारे को एक हाथ जोड़कर बेनती है कि कहीं पर अगर कहीं कोई गलत लफ्ज़ हम निकला भी है, वैसे तो नहीं पर जो निकला भी है, किसी को हर्ट हुआ भी है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि दिल बड़े रख करके हम इस धर्म की आड़ में कोई ना तो राजनीति करें, चाहे वो सिख हैं चाहे वो मोहम्मदन हैं, और ना ही ये रिश्तों को ख़त्म करने की कभी कोशिश करें। ये लड़ाई, ये झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें प्यार से, क्योंकि परमात्मा जो एक ही हमें संदेश देता है हर धर्म के अंदर, कि प्रेम जो है वो किसी भी रिश्ते में अगर नहीं है तो वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं है, चाहे वो परमात्मा के साथ हो चाहे वो इंसान के साथ हो। सो हमें मिलकर रहना है, हमें प्यार से रहना है, क्योंकि ना तो मुस्लिम भाईचारे के बिना हम रह सकते हैं, हमारा कहीं गुजारा है, हम समाज में कहीं पर आगे बढ़ सकते हैं, ना ही मुस्लिम भाईचारा सिखों के। ये एक नाखून और मांस का रिश्ता है, इसको बनाए रखें। मैं अपनी काउंसिल की तो संस्था की तरफ से भी ये बेनती करती हूँ, और मन मुटाव ना रख के हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया तरविंदर जी। तो ये तरविंदर जी थी, इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि भावनाओं में आके जैसे गुस्सा हो जाता है, उनकी घर की बेटी अगर घर छोड़ के चली जाती है तो जाहिर सी बात है हर कोई गुस्सा हो सकता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये सच में अपराध है और इस पर तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन कोई अपनी मर्जी से कहीं शादी कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, उसे आज़ादी है। लेकिन जो अभी हुआ इसको लेकर मुस्लिम और सिखों के बीच कोई मतभेद होने वाली जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदियों से साथ रहते आ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, इनका कहना और साफ कहना है कि आप लोग इस एक चीज़ के कारण बिल्कुल भी आपस में किसी तरह की कोई बात अपने मन में ना रखें। किसी और एपिसोड में तरविंदर जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।